सो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक मैनियक यानी एक साइको को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक था। फ्रैंक एक लड़की को नोटिस करता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब से वापस आ रही थी। उसके फ्रेंड्स उसको छोड़ के वापस चले जाते हैं और वो लड़की अकेले ही घर जा रही होती है। फ्रैंक उसका पीछा करता है और उसके घर की पावर सप्लाई कट कर देता है जिससे वहाँ की लाइट्स चली जाती है। उसके बाद वो लड़की के पास जाके कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है और फ्रैंक को देख के ही वो लड़की और चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी फ्रैंक उसके मुंह में चाकू घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर वो उस लड़की के स्कैल्प यानी बाल चाकू से निकाल देता है। अब ऐसा फ्रैंक क्यों करता है ये हमें आगे पता लगेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें फ्रैंक का घर दिखाया जाता है जहाँ कई सारे मैनिक्विंस पड़े होते हैं क्योंकि उसका मैनिक्विंस कलेक्शन का काम था और उसकी एक शॉप भी थी। वो एक साइको था और लड़कियों को मार के उनके स्कैल्प यानी बाल अपने मैनिक्विंस को पहनाता था जिससे वो काफ़ी रियल लगते थे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था वो साइको क्यों बन गया था हमें आगे स्टोरी में पता लगेगा। इसके बाद वो एक डेटिंग साइट ज्वाइन करता है जहाँ उसे लूसी नाम की एक लड़की मिलती है और उनमें काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद फ्रैंक लूसी से मिलने का प्लान बनाता है और रात को वो लूसी को रेस्टोरेंट में मिलता है। बातों बातों में फ्रैंक को विजन्स आते हैं कि जैसे वो लूसी को मार रहा है और ये उसके साइको होने के कारण ही ऐसा हो रहा था। तभी फ्रैंक को सर में दर्द होने लगता है और वो वॉशरूम जाके कुछ पिल्स लेता है जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है और हमें यहाँ पे पता लगता है एक्चुअली में फ्रैंक को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और जिसकी वजह से उसे हेडेक होता था। इसके बाद लूसी उसे अपने घर ले जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। फ्रैंक उसे मना करता है पर वो नहीं रुकती जिसके बाद फ्रैंक उसे भी मार देता है और उसका स्कैल्प भी निकाल देता है और घर पहुँच के मैनिक्विन में स्कैल्प लगा देता है। इसके बाद फ्रैंक हेलुसिनेट करता है कि जैसे लूसी जिंदा है। वो लूसी को वहाँ दूसरे मैनिक्विन से इंट्रोड्यूस करवाता है और इसके बाद वो अपने आप को शीशे में देखता है और शीशा फोड़ देता है क्योंकि वो अपने आप से बहुत गुस्सा था। तभी वो याद करता है कि कैसे वो अपनी माँ के बाल बनाता था और उसकी माँ उसे अच्छा मानती थी। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी दुकान के बाहर एक लड़की को नोटिस करता है जो कि उसके बनाए हुए मैनिक्विंस की फ़ोटो ले रही थी। फ्रैंक जब बाहर जाके उस लड़की से बात करता है तो उसे पता लगता है कि उसका नाम ऐना है और वो एक आर्टिस्ट है और फ्रैंक्स के मैनिक्विंस उसे बहुत पसंद आए थे इसलिए वो उसकी फ़ोटो ले रही थी ताकि वो उसे अपने एग्जीबिशन में लगा सके। ये सुन के फ्रैंक उसे अंदर बुलाता है और मैनिक्विंस दिखाता है और उसे फ्रैंक का काम काफ़ी पसंद आता है इसलिए वो उसे अपना फ़ोन नंबर दे देती है ताकि वो फ्यूचर में साथ काम कर सके। फिर ऐना के जाने के बाद फ्रैंक उसे याद करता है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐना उसे पसंद आने लगी थी। इसके बाद फ्रैंक और क्लिंग्स के लिए लड़कियां ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और रात को उसे एक डांसर मिलती है और वो उसका पीछा करता है पर वो लड़की नोटिस कर लेती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो ट्रेन से उतर के भागने लगती है। फ्रैंक उसका पीछा करता है और पार्किंग लॉट में उसको बेरहमी से मार के उसका स्कैल्प निकाल के अपने घर में मैनिक्विन में लगा देता है। फिर नेक्स्ट डे ऐना फ्रैंक की शॉप में आती है और बताती है कि वो उसके कुछ मैनिक्विंस अपने एग्जीबिशन में ले जाना चाहती है और फ्रैंक उसे अलाउ कर देता है। इसके बाद वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी फ्रैंक को माइग्रेन का अटैक आता है और ये देख के ऐना बहुत परेशान हो जाती है। फ्रैंक वहाँ से भाग के डॉक्टर के पास जाता है और दवाई लेके नॉर्मल हो जाता है। फिर रात को फ्रैंक अपने घर पे न्यूज़ देखता है जहाँ न्यूज़ में मर्डर्स की बात चल रही थी। फिर फ्रैंक याद करता है कि उसके फादर के एक्सपायर होने के बाद उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट बन गई थी और वो दो लोगों को अपने घर लेके आई थी। पर जब उसने देखा कि छोटा फ्रैंक उसे देख रहा है तो उसके बावजूद वो नहीं रुकी और वो अपने बेटे के सामने ही उनसे इंटीमेट हो गई। और हो ना हो इसी इंसिडेंट के बाद फ्रैंक एक साइको किलर बन गया था। फ्रैंक बहुत दुखी था और उसका ऐना को देखने का मन कर रहा था तो वो ऐना की शॉप के बाहर पहुंच जाता है। तभी ऐना उसको कॉल करके नेक्स्ट डे मूवी देखने का प्लान बनाती है और नेक्स्ट डे वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। वहाँ फ्रैंक को अपने मर्डर के विजन आते हैं। फिर मूवी के बाद बाहर आने पर ऐना को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और ये जान के फ्रैंक बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐना को पसंद करने लगा था। इसके बाद उसका दिल टूट जाता है। वहाँ से वापस आने पर फ्रैंक याद करता है कि कैसे उसकी माँ एक दिन भी सड़क में ही इंजॉय कर रही थी और फ्रैंक को ये देखने के बाद भी वो नहीं रुकी और इससे फ्रैंक को काफ़ी सदमा पहुंचा था।
नेक्स्ट डे फ्रैंक अन्ना के एग्जीबिशन में जाता है और वहीं वो एना के बॉयफ्रेंड को भी देखता है। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। जब एना का बॉयफ्रेंड वॉशरूम में जाता है तो फ्रैंक भी उसके साथ जाता है और वहां एना का बॉयफ्रेंड फ्रैंक की बहुत इंसल्ट करता है। जब फ्रैंक बाहर आता है तो उसे एना की बॉस मिलती है जो उसे कहती है कि उसे फ्रैंक के मैनिक्विंस बहुत पसंद आए। पर फ्रैंक बहुत गुस्से में था और वह उसके बाल देखता है और उसे लगता है कि जैसे उसकी माँ वेश बदल के उसके सामने आई है। वो उस लेडी का घर तक पीछा करता है और जब वो अपने बाथिंग टब में नहा रही होती है वो अंदर आके उसे डुबा के बेहोश कर देता है। जब उस लेडी को होश आता है तो वो देखती है कि फ्रैंक ने उसे बांध रखा है। वो फ्रैंक से अपनी जान की भीख मांगती है पर साइको फ्रैंक उसे अपनी माँ सोच के स्टैप कर लेता है और उसका स्कैल्प भी निकाल के अपने साथ ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो अन्ना को कॉल करके अपने मैनिक्विंस वापस मांगता है तो अन्ना उसे बताती है कि किसी ने उसके बॉस को मार दिया है और पुलिस उससे इंक्वायरी कर रही है, इसीलिए वो बहुत डरी हुई है। फ्रैंक अन्ना को सपोर्ट देने के लिए उसके घर जाता है पर उसे वहाँ एक नया लड़का दिखता है। अन्ना फ्रैंक को बताती है कि ये उसका पड़ोसी मार्टिन है और इसके बाद मार्टिन वहाँ से चले जाता है। फिर फ्रैंक अन्ना से पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है तो अन्ना उसे बताती है कि जब उसे पता लगा कि अन्ना प्रॉब्लम में है तो वो उसे छोड़ के चला गया। ये सुन के फ्रैंक अन्ना को हिम्मत देता है। वो अन्ना से कहता है कि इंसान के शरीर में बस बाल ही होते हैं जो कभी ख़राब नहीं होते। अन्ना फ्रैंक से कहती है कि अगर रात को अपनी बॉस के साथ होती तो शायद उसकी बॉस बच जाती और वो अपने आप को इसका कसूरवार मान रही थी। इस पर फ्रैंक उससे बोलता है कि उसकी बॉस यहाँ से सिर्फ 3 ब्लॉक दूर रहती थी तो उसने एना को हेल्प के लिए बुलाया क्यों नहीं, और वैसे भी शहर में इतनी लड़कियों के मर्डर हो रहे हैं और इन सब के लिए एना खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकती। जैसे ही फ्रैंक ये बोलता है तो एना को फ्रैंक पे शक हो जाता है क्योंकि उसे ये कैसे पता लगा कि उसकी बॉस यहाँ से 3 ब्लॉक दूर रहती है। एना फ्रैंक को चाकू दिखा के जाने के लिए कहती है पर फ्रैंक नहीं जाता तो वो उसे मार के वॉशरूम में छिप जाती है और मार्टिन को आवाज़ देने लगती है। तभी मार्टिन वहाँ आता है और फ्रैंक उसे एक बूचर नाइफ से मार के इंजर कर देता है। इसी बीच मार्टिन फ्रैंक पे हमला करता है तभी फ्रैंक उसे भी जान से मार देता है। फिर वो वॉशरूम का डोर तोड़ के अंदर जाके एना को बेहोश करके गाड़ी में रख लेता है और अपने घर ले आता है। जब एना को होश आता है तो फ्रैंक को मैनिक्विन हैंड से मार के भागती है और फ्रैंक उसका पीछा करता है। एना भाग के कार से लिफ्ट मांगती है पर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनकी कार के सामने फ्रैंक आ जाता है जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर फ्रैंक एना के पास जाता है और उसे रोते हुए बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बाद वो उसका स्कैल भी काट देता है और अपने घर ला के एक मैनिक्विन पे लगा देता है। इसके बाद वो साइको उस मैनिक्विन को एना इमेजिन करके शादी कर लेता है। तभी उसको विजन्स आते हैं कि जैसे सारे मैनिक्विन जिंदा हो गए हैं और वो उसको भी नोच नोच के मार देते हैं, यानी साइको फ्रैंक के दिमाग ने उसे खुद एक मैनिक्विन बना दिया था जिससे वो खुद की ही जान ले लेता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है जहाँ उसे फ्रैंक के साथ साथ और मैनिक्विंस मिलते हैं और फाइनली मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट में अगर मूवी की स्टोरी बताऊँ तो अपने बचपन से हुए हादसों के कारण फ्रैंक अपनी माँ से काफ़ी नफरत करने लगा था और उसे हर लड़की में अपनी माँ दिखती थी जिसके वजह से एक साइको किलर बन गया था। तो फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।